फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद ब्लॉक के गांव हरिगनपुर में अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत तालाब बनाया गया। तालाब में कुछ समय जेसीबी से खुदाई कराई गई, कुछ समय मनरेगा योजना के अंतर्गत खुदाई कराई, वृक्षारोपण किया गया और एक दिन मजदूरों ने कार्य किया और एक पटिया लगाई गई, जिसमें निर्माण लागत 8,75,643 रुपये लागत दिखाई, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और बोले घोटाला हुआ है। आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना के नाम पर सरकारी धन की लूट की जा रही है। अधिकारी कर्मचारी सरकारी धन का बंदर कर हजम कर रहे हैं। विकास कार्य जमीन पर नहीं, कागजों में दिखाई दे रहा है। फिरोजाबाद से देखिए राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। एक अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत तालाब बन रहा है, उसमें ग्रामीणों का आरोप है कि उसमें पैसे का गमन हुआ है। क्या उसमें काम तो बराबर चल रहा है, लेकिन 30-40 हज़ार रुपए का अभी काम हुआ है और जैसे उस पटिया पे 8,76,000 रुपए करीब, उसमें कुछ नहीं है, उतना ही जो काम चल रहा है उतना ही चल रहा है। पैसा सूट नहीं हुआ, अभी निकला नहीं है, निकला नहीं है पैसा उसका अभी तक। इसमें कितना पैसा लग चुका है? करीब 50,000 रुपये निकले नहीं पैसे। नंदकिशोर जी, आप यहाँ तालाब पे आए हैं, क्या है मामला? तालाब पे ये है कि सर एक दिन आधा घंटा जीसीबी चली है, ऊपर की जो ये मिट्टी पड़ी हुई थी इसको थोड़ा सा लगा के 15 अगस्त को थोड़े फेड़ लगा दिए हैं। इसके पटिया को देख के भयभीत हो गए कि इसके इतना पैसा कहाँ से लग गया, इसमें कोई वर्क नहीं हुआ है, किसी प्रकार कोई वर्क नहीं हुआ है इसमें। कितना रुपया दिखाया गया है? 8,75,600 कुछ रुपये दिखाए गए हैं पटिया में लगे हुए हैं, इसमें वर्क एक दिन भी वर्क नहीं हुआ, थोड़ी जीसीबी चल गई है और एकदम पेड़ लग गए हैं, पेड़ भी ऐसे ही है और कुछ नहीं हुआ यहाँ पर।